वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका सर फिटनेस टीम में। मैं हूं कपिल मेहरा, आपका फिटनेस दोस्त। दोस्तों आज का वीडियो, आज आपको फिटनेस बाबा प्रवचन देंगे जूस के बारे में। मैं जूस के बारे में जब भी कमेंट करता हूं अपने डाइट चार्ट में तो लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में, देखते रहिए सिर्फ फिटनेस टीवी। तो जूस के बारे में लोगों को बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं। वो कुछ तो मैंने देखा है लड़कियों को, वो जूस की डाइट पे चलती हैं, वो सोचती हैं कि एक डाइट फूड है, डाइट की तरह लेती हैं। कुछ लोग जूस लेते हैं कि भाई हमको लो फील हो रहा था या रीफिल करना था, अपने आप को कुछ खाने या पीने की इच्छा थी तो जूस पी लिया, या ना आपका जूस है ना, उनने ये मान लिया कि ना एक स्नैक्स की तरह मॉर्निंग में या आपका ड्रिंक की तरह जूस पी लिया। जूस देखिए, मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ़ नहीं हूँ जूस के, पर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, अब आप डिसाइड करना अच्छा है या बुरा है। सपोज़ एक गिलास जूस मैंने लिया, एप्पल जूस, ठीक है। अब उस एक गिलास एप्पल जूस को बनाने के लिए 3 या 4 एप्पल लग गए। अब वैसे नॉर्मली अगर एप्पल खाओगे तो एक एप्पल खाओगे, 100 ग्राम का एप्पल है, करीब आएगी 50 कैलोरी। अब चार एप्पल की एक साथ शुगर, फ्रुक्टोस, एक्चुअल में फ्रूट शुगर आपका जो जूस के ग्लास में भर के जा रही है, और शुगर जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इंसुलिन स्पाइक होना है। इंसुलिन स्पाइक होना है क्या मतलब क्या हुआ, इंटर्न आपकी बॉडी में जो आप ड्रिंक ले रहे हो वो फैट के रूप में स्टोर होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके जो विटामिन और मिनरल मिल रहे थे वो फ्रूट से वो नहीं मिल रहे, फाइबर नहीं मिल रहा, तो इसलिए आपको अगर जूस पीना है तो उससे बेटर आप कोई और ड्रिंक ले लें, नींबू पानी ले लीजिए, आप मठा पी लीजिए, पर जूस मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। इसके अलावा आ जाओ, कुछ लोग तो पैक्ड जूस लेते हैं। आप पैक्ड जूस में आपको बताऊँ, देखिए उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, वो प्रिजर्वेटिव तो वैसे ही हार्मफुल हो गया। प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड किया तो उसको हीटिंग मेथड से प्रिजर्व करने के लिए, उनका हीटिंग मेथड होता है तो उससे उसको प्रिजर्व करते हैं, तो उसमें आपके विटामिन और मिनरल पूरे उड़ गए। तीसरा, उसमें कॉर्न सिरप मिला देते हैं, कॉर्न सिरप फिर अगेन नुकसानदायक। और नहीं तो आप कोई भी है ना जूस जो आपके पैक्ड फूड आते हैं, पैक्ड जूसेज आते हैं, उनमें आपको एडेड शुगर मिलेगी, एडेड फ्लेवर मिलेगा। तो काट पीट के जूस अगर पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा है तो आप पोस्ट वर्कआउट में जूस का आधा गिलास आपका फ्रूट जूस, आधा गिलास वेजिटेबल जूस, दोनों को मिलाएं और एक छोटा गिलास जूस पिएं, उसमें कोई हार्म नहीं है। वैसे नॉर्मली उसको डाइट फूड की तरह या ये सोच के कि लो कैलोरी ड्रिंक है तो हमको पीना है सेहत के लिए, मान लिया अच्छा है, पर उससे अच्छा फ्रूट खाएं, उसमें फाइबर मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल मिलेगा। उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको काम आए, आपके फिटनेस गोल अचीव करने में मदद करे। तो जब भी आप जूस ऐसे ड्रिंक की तरह पी रहे हो तो मेरी शक्ल ध्यान रखें, मैं ये नहीं कह रहा कि ना पिए, पर कंट्रोल योर जूस इनटेक। और ये वीडियो मैं समझता हूँ, एक मैंने आपको अच्छी जानकारी दी, इसी बात पे मैं चाहूँगा आप एक लाइक का बटन दबाएं, कोई आपकी क्वेरीज हो कमेंट में रखें। और आज के लिए विदा लेता हूँ सिर्फ फिटनेस टीवी से, बाय बाय फॉर नाउ।